10-15 degree, 10-36 degree बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, 10-45 degree, 10-54 degree, 10-75 degree इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसमें देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सा है, 15 में कितना जोड़ेंगे जो 90 हो जाएगा, 15 और 75 ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, 36 का कॉम्प्लीमेंट ये है ना, तो लिखेंगे 90 माइनस 75 डिग्री राइट इनटू का साइन ये रहा 10 90 माइनस 54 डिग्री राइट इनटू 10 45 डिग्री इनटू 10 54 डिग्री इनटू 10 75 डिग्री राइट। ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट 75 डिग्री इनटू कॉट 54 डिग्री इनटू 10 45 डिग्री इनटू 10 54 डिग्री इनटू 10 75 डिग्री राइट। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 75 डिग्री 1/10 54 डिग्री इनटू 10 45 डिग्री इनटू 10 54 डिग्री इनटू 10 75 डिग्री 10 75 ये कैंसिल हो गया, 54 54 कैंसिल हो गया, बचा क्या 10 45 डिग्री। और हमको मालूम है 10 45 डिग्री बच गया और 10 45 डिग्री की वैल्यू है 1। आप लिख सकते चाहो वह 10 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है इक्वल टू आर एच एस राइट। तो साइन इसमें लेंगे अपन, पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। और हमको मालूम है इसकी वैल्यू कितने बराबर होती है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे 10 थीटा बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा ठीक। तो 10 थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा राइट कॉट है। हाँ तो वैर हमको मालूम है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, 10 थीटा के बराबर है ना, ये स्क्वायर था। और हमको मालूम है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है ना, ये हो जाएगा 10 थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा राइट। हमको मालूम है 10 थीटा sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइड को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये डिवाइड लिख रहा है इसके बदले ठीक है, इसके बदले मैं ये लिख रहा हूँ ये बाय sec स्क्वायर थीटा किस बराबर होता है 1/cos² थीटा, इतना समझ में आप कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1 भी वही आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। खैर LHS का भी आंसर यही था और RHS का भी आंसर यही था, हैंस प्रूव राइट राइट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, 2 cos 67 डिग्री बाय साइन 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री
बाई कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, राइट। ये देखो 90 है, ये भी 90 है, ऊपर वाले को अपन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कैसे 90 कैसे लिखेंगे, 2 कॉस 90 माइनस 23 अपॉन साइन 23 डिग्री, राइट। टेन 90 माइनस 50 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, राइट। अब ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, है ना। तो ये जगह 2 साइन 23 डिग्री डिवाइड बाई साइन 23 डिग्री माइनस कॉट 50 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, है ना। 2 माइनस 1 प्लस कॉस 0 की, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, है ना। तो 2 में से 1 गया 1, 1 प्लस 1 2, इसका आंसर आ गया 2, राइट। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और हमको मालूम राइट एंगल ट्राइंगल में ये अकेले कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्लियर हो गया। 90 ये है, यदि ये 20 है तो कितना होगा, ये 70, 90 में से 20 माइनस करें 70 आ गया, ये हो गया। अब कुछ फॉर्मूलास हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉस सेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, राइट। तो ये तो ये एंगल जो है, ये जो एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 90 है, राइट। फॉर्मूला पाई टाइम्स, ओके। साइन 60 डिग्री 63 डिग्री, कॉस 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री, ये दोनों प्लस करेंगे तो 90 आ गया, इसलिए जो है ये कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ये दोनों प्लस किए तो ये भी 90, तो हम क्या करते हैं साइन 63 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। साइन 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, साइन 63 डिग्री माइनस 27 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर, ये हो गया आंसर, राइट। फाइव टाइम्स साइज 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल विच लाइज बिटवीन 90 एंड 45। जैसे यहाँ पे दिया है साइन 56 डिग्री,
मतलब ऐसा एंगल निकालना है जिसका वैल्यू जो है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री और 45 के बीच में। यदि हम 90 में से माइनस करते हैं 56, तो कितना हो जाता है 34, आगे 34 इस दोनों के बीच में, तो साइन 90 माइनस 56 डिग्री। हमको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये जगह कॉस 34, ये एक्चुअली में इसको हमको 34 लिख देंगे, तो ये जगह 34 डिग्री। सेक 73 डिग्री, सेक 90 माइनस 90 में से माइनस कर दिए 73, 817 डिग्री। तो सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा, ये जगह कॉसेक 17 डिग्री, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, cos 80 degree divided by sin 10 degree, where sin cos 90 minus 10 by sin 10, cos 90 minus theta kya hota hai, sin theta, to ye jagah sin theta बाई साइन टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया, आंसर वन। ठीक, अब यहाँ पे साइन साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कॉस 53 डिग्री, हमको पता भी चलता है, देखो ये दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को 90 आता है, देखो तो 37 प्लस 53 आगे 90, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट है, तो ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, साइन 90 माइनस 53 डिग्री डिवाइड बाई 2 कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री डिवाइड बाई 2 कॉस 53 डिग्री, ये कॉस 50 डिग्री कैंसल, 1/2 राइट, 5 टाइम्स 3 साइन 17 डिग्री, सेक 73 डिग्री, राइट। अब ये दोनों प्लस कितना होता है, 90 हो गया, तो एक को कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, 3 साइन 90 माइनस 73 डिग्री, कैसे है 73, 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 73 इंटू सेक 73 डिग्री, राइट। 3 कॉस 73 डिग्री इंटू सेक 73 डिग्री, 3 कॉस 73 डिग्री इंटू 1 अपॉन कॉस 73 डिग्री, हमको मालूम है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा 3, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री, ये दोनों प्लस करो कितना होता है, देखो तो 90 हो रहा है, तो एक को अपन क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, पहले वाले को लेते हैं, साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा 26 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री, हमको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 26 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री, एक माइनस है और एक प्लस है, कैंसिल, आंसर कितना आएगा 0, राइट।